हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इंडियन हिस्ट्री JKSSB JK पुलिस एग्जामिनेशन के लिए जो है यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का जो है वो यहाँ पर जिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन तो कम अज कम नहीं छूटेगा, उतनी डिटेल में चीजों को नहीं होगा, क्योंकि आपको एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो मेन मेन पॉइंट जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो काफी डिटेल में यहाँ पर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम, जो आपका टॉपिक होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन। क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करें, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है एडवेंट ऑफ द यूरोपियन। हम सभी जानते हैं इंडिया जो था वो कॉलोनी रहा है, तो यहाँ पे बहुत सी यूरोपियन पावर जो है आई, ठीक है, और यहाँ पर ट्रेड के बहाने आती थी, और ट्रेड करते करते जो है आप बाद में जो है वो रूल करने लगे। तो यहीं पर हम बात करने वाले वो कौन कौन सी पावर्स थी। बेसिकली पांच पावर्स थी, जिनमें पोर्टुगीज थे, जिनमें डच थे, जिनमें इंग्लिश थे, जिनमें डेनिश थे और फ्रेंच थे। तो यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बनता है, बल्कि दो क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। पहला ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन यहाँ पर आए, तो हम ये ऑर्डर याद रखेंगे, सबसे पहले पोर्टुगीज आए। उनका ईयर याद रखेंगे, ईयर भी पूछा जाता है, 1498 में आए हैं, तो ये याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे डच आते हैं, 1602 में डच आते हैं, 1608 में इंग्लिश आ जाते हैं यानी कि ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं 1616 में, और फिर हमारे पास जो है इंडिया में 1664 में फ्रेंच आते हैं। तो ये ऑर्डर जो है आप सबसे पहले याद रखेंगे, PDEDF, ठीक है, ये ऑर्डर याद रखेंगे, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले जो पोर्टुगीज आए उनके बारे में, कहाँ से आए पोर्टुगीज, उनकी लोकेशन क्या थी, वो सी रूट इंडिया में ढूंढने आए। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर मैप देखेंगे, ये मैप हमारे पास है, ठीक है, वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे स्पेन के साथ जो है ये पोर्टुगीज है, ग्रीन कलर का जो है ये पोर्टुगीज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये एरिया पोर्टुगीज है। अब यहाँ से वो सी रूट ढूंढ रहे थे, तो ये रूट जो है इन्होंने फॉलो किया, यहाँ से होते वो ये यहाँ पर इंडिया आए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ पर इंडिया में आए सबसे पहले, तो वो एक जो है अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो कैलीकट में जो है आए, और वापसी का जो रास्ता है इनका वो कौन सा था, वो गोवा था। कैलीकट में आते हैं, गोवा से निकलते हैं वापस। तो इसी को हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिख ली है, वो आप देखेंगे। पहला, अराइवल ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो याद रखेंगे, इट वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज हु फर्स्ट डिस्कवर्ड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। बहुत से जो है कंट्रीज कहेंगे कि उन्होंने कोशिश की इंडिया के तक जो है वो पहुंचने की, एक डायरेक्ट सी रूट जो है यहाँ पर खोजने की, लेकिन जो सबसे पहले जो है सी रूट ढूंढने वाले थे वो पोर्टुगीज थे। तो याद रखेंगे पोर्टुगीज जो थे दे वर द फर्स्ट टू डिस्कवर द डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। अब पोर्टुगीज जो आए, पोर्टुगीज में आने वाले कौन थे, सबसे पहले उनका नाम याद कर रखेंगे, वो सेरर जो थे उनका नाम था वास्को डा गामा। वास्को डा गामा जो थे वो अराइव हुए, वो इंडिया आए, और इंडिया में किस जगह उन्होंने कदम रखा, कैलीकट में रखा। क्वेश्चन पूछा जाता है याद रखेंगे, और कैलीकट की भी किस जगह पर रखा, कोझिकोडे में रखा, ठीक है। अब देखिये उसके बाद जो है जब ये आए तो उनको रिसीव करने वाले कौन थे उनकी बात करते हैं। तो ऑन मई 20 मई 1498 को, याद रखेंगे 20 मई 1498 को, किंग जो जेमोरिन थे, जो कि लोकल रूलर थे, वहां के लोकल रूलर थे उस टाइम कैलीकट के, उन्होंने पोर्टुगीज वास्को डा गामा सेलर को जो है वो रिसीव किया। तो आप देखिए पहले तो रिसीव किया, बाद में जो है ये पोर्टुगीज उन्हीं से लड़ते हैं और किंग जेमुरिन को हराते और अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी वहां पर जो है बनाते हैं। अच्छा, जो वास्को डा गामा आए उनकी शिप का नाम क्या था, वो शिप का नाम याद रखेंगे, तो शिप का नाम याद रखेंगे, शिप का नाम क्या था, साओ गैब्रियल जो था वो शिप था, नाम था जिससे जो है वास्को डा गामा आए। अब वास्को डा गामा जो थे वो इंडिया में कितनी टाइम रहे, 1498 में आते हैं तो वो 3 मंथ तक इंडिया में रहते हैं। आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, वास्को डा गामा जो थे वो यहाँ से चले जाते हैं, और मैंने साथ में यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द गोवा। वो क्यों लिखा है, क्योंकि जो है वो कैलीकट से आते हैं, बट जो वापसी का रास्ता होता है उनका वो गोवा से होता है, ठीक है। अब जब ये वापस जाते हैं, ये खाली हाथ वापस नहीं जाते हैं, बल्कि इंडिया से जो है वो ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है वो लेके जाते हैं,
बहुत ज्यादा अपने साथ लेके जाते हैं, जो कि ये फ्यूचर में जो है यूरोपियन मार्केट में जो है इसे सेल करते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर सेल करते हैं? यूरोपियन मार्केट में सेल करते हैं। तो इसकी वजह से जो है इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाया, तकरीबन जो है 60 टाइम प्रॉफिट जो है वो इससे इन्हें हुआ। तो इतना ज्यादा इन्हें प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब जो है इतना जब ज्यादा प्रॉफिट हुआ वो दोबारा वापस जरूर आएंगे, और ऐसा ही होता है। तो वो 1501 में जो है वो दोबारा वापस आते हैं। ठीक है, तो वास्को डी गामा जो थे केम बैक टू इंडिया फॉर अ सेकंड टाइम। सेकंड टाइम कब वापस आते हैं? 501 AD में आते हैं। अब यहाँ पर आते हुए इन्होंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टार्ट की। कहाँ पर स्टार्ट की? 501 में आते हैं। 501 में आने के बाद 502 में जो है कोचिन में जो है कैनानोर में जो है एक ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, जहां पर ये तिजारत किया करते थे। तो एक ट्रेडिंग फैक्ट्री बना दी गई। तो इस एस्टेब्लिशमेंट से जब इन्होंने ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाई विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेड लिंक, कैलिकट, कैनानूर एंड कोचिन जो थे दे एमर्ज सिग्निफिकेंट पोर्टुगीज सेंटर इन इंडिया। तो इस वजह से जो है पोर्टुगीज के ये सेंटर बन गए जहां पर इन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की, जैसे कि कैलिकट में की, कैनानूर में की, कोचिन में की। इसकी वजह से ये क्या बन गए? एक सिग्निफिकेंट जो है पोर्टुगीज के सेंटर बन गए। ठीक है, तो अब इनका जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा। तो फिर क्या होता है, जो किंग जेमोरिन थे इनको इन्होंने जो है डिफीट किया, इनको हरा दिया। ठीक है, जो वहां के लोकल किंग थे इस रीजन के, किंग जेमोरिन जो थे, तो इन्हें हरा दिया। तो अपनी जो है ऐसा ऐसा जो है वो मिलिट्री पावर भी बढ़ाने लगे। तो मिलिट्री सुपीरियरिटी जो थी पोर्टुगीज की ये यहाँ पर एस्टेब्लिश करते गई। अब नेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो है वो अपॉइंट होता है गवर्नर। 1505 AD में जो है फ्रांसिस्को डी एलमेडिया जो थे वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया। तो पहले कौन गवर्नर है पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे फ्रांसिस्को डी एलमेडिया जो थे वो पोर्टुगीज ने के पहले गवर्नर जो है वो अपॉइंट होते हैं इंडिया में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके JKSSB क्लास 4 में पूछा गया था, वो ये था, इनकी जो पॉलिसी थी बीइंग सेंट्रिक टू कंट्रोलिंग द इंडियन ओशन वाज नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो इनसे रिलेटेड है। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? वो ये थी, जो पोर्टुगीज थे दे आर द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, तो इनकी जो पॉलिसी थी कि हम इस ओशन को कंट्रोल करेंगे, इंडियन ओशन को कंट्रोल करेंगे, जिसे नाम दिया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये पोर्टुगीज के गवर्नर फ्रांसिस्को डी एलमेडिया की एक पॉलिसी थी। तो इस तह जो है इसी वजह से इन्होंने जो है वो इंडियन ओशन के मास्टर भी थे, इस वजह से इन्होंने जो है पानी पे जो है इंडियन ओशन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। देखिए, लेकिन जो है एलमेडिया जो थे ठीक है ये गवर्नर थे, लेकिन जो मेन जो माने जाते हैं, एक्चुअल जो फाउंडर माने जाते हैं, वो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो थे एक्चुअल फाउंडर थे, जिन्होंने जो फ्रांसिस्को डी एलमेडिया जो गवर्नर थे इनको रिप्लेस किया था 1509 AD में। और उसके बाद जो था अल्फोंसो जो थे इन्होंने कैप्चर किया गोवा को फ्रॉम द सुल्तान आदिल शाही। सुल्तान आदिल शाही जो बीजापुर के सुल्तान थे इनसे जो है गोवा को कैप्चर किया। 1509 में जो है ये अपनी कैपिटल कोचिन में बनाए। इससे पहले जो थी जो कैपिटल जो थी हम ट्रेडिंग फैक्ट्रीज जो एस्टेब्लिश की गई थी वो कोचिन में एस्टेब्लिश की गई थी। अब जो है वो कैपिटल इन्होंने कोचिन को बनाए। बट यहाँ पर जो अल्फोंसो जो थे इन्होंने जो है एक जो प्रैक्टिस थी यहाँ पर सती प्रैक्टिस जो थी उसे जो है रोक दिया। ठीक है, तो ही प्रोहिबिटेड सती प्रैक्टिस इन इंडिया, सबसे पहले याद रखेंगे इसे। अब देखो इनका इनके नाम पे जो है एक मैंगो की वैरायटी रखी गई है, याद रखेंगे। ठीक है, मैंगो की एक वैरायटी आती है अल्फोंसो मैंगो। ठीक है, अल्फोंसो मैंगो जो थे वो इन्हीं के नाम पे रखे गए हैं, जो कि पोर्टुगीज के गवर्नर थे। अल्फोंसो द वैरायटी इज नेम्ड अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ए पोर्टुगीज जनरल एंड मिलिट्री एक्सपर्ट हु एस्टैब्लिश्ड पोर्टुगीज कॉलोनी इन इंडिया। तो ये मैंगो की वैरायटी किसके नाम पे रखी गई है? ये अल्फोंसो है, इनके नाम पे रखी गई है। इन्होंने पोर्टुगीज की कॉलोनी इंडिया में एस्टैब्लिश की। ठीक है, तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को ड्यूक ऑफ गोवा भी कहते हैं। अल्फोंसो इज जनरली कंसिडर्ड अ मिलिट्री जीनियस, इन्हें मिलिट्री जीनियस भी माना जाता है। प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट नोवल कमांडर ऑफ द एज, ये भी एक टाइटल इन्हें दिया गया है। और ये गवर्नर रहे पोर्टुगीज के 1509 से लेकर 1515 तक, और इन्होंने 1510 में गोवा को कैप्चर किया। तो ये कुछ इनके रिलेटेड टाइटल है, इनके रिलेटेड जो है नाम है।
तो इन्हीं के वर्क को देखकर जो हम कह सकते हैं जो अल्फोंसो थे वो रियल फाउंडर थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है पोर्टुगीज़ी कॉलोनिया यहाँ पर बनाई। आगे और फैक्ट देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। तो देखिए, अल्फोंसो डी एल्बरक्यू जो थे रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ पावर इन इंडिया थे। गोवा सब्सिक्वेंटली बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ द पोर्टुगीज़ सेटलमेंट इन इंडिया। पहले कोचिन था, कोचिन के बाद जो है गोवा बना, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखेंगे मैप में गोवा है। नेक्स्ट इज पोर्टुगीज होल्ड ओवर द कोस्टल एरियाज एंड सिक्योरिटी इन द नेवल पावर हेल्प देम सिग्निफिकेंटली। तो जितने भी ये कोस्टल एरिया था, देखेंगे ये कोस्टल एरिया जो थे साइड साइड के, तो इन पे जो है इनकी कमांड बनती गई, क्योंकि जो थे ये नेवल जो थे, अगर हम कहे नेवल सुपीरियरिटी की वजह से इनकी जो है कमांड इस एरिया में बनती गई। फिर जो है उसके बाद जो है एक और इनके गवर्नर आते, जो इम्पोर्टेंट गवर्नर है उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने कोई काम किया जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नीनो डी कुन्हा 1529 से लेके 38 तक रहे। इन्होंने कैप्चर किया दमन को, दीव को इन्होंने कैप्चर किया, और इन्होंने एक ऐसा काम किया कि इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया गोवा के कोचिन से लेकर गोवा। तो ये हमारा कोचिन जो था, कोचिन से ले जो है ये कैपिटल को गोवा लेके आए। कहाँ लेके आए? गोवा लेके आए। फिर टाइम देखते देखते जो एंड हो गया 16th सेंचुरी का, जो एंड था उस टाइम तक जो है इन्होंने जो है गोवा को कैप्चर किया, उसके अलावा दमन को, दियो को, ये जो एरिया है दमन दियो यहाँ पर भी कैप्चर कर लिया, साल सिटी को भी कैप्चर किया। तो मतलब जो इंडियन कोस्ट का ये वाला रीजन था, गोवा से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात का ये दमन दियो तक जो एरिया था इसे कैप्चर कर लिया। लेकिन फिर क्या होता है, शाहजहां जो थे इन्होंने पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस देखा और 1631 में शाहजहां ने जो है इन्हें हरा दिया। कहाँ पर हराया? गोवा से नीचे कर्नाटका है, कर्नाटका के हुबली में जो है शाहजहां ने जो है पोर्टुगीज को 1631 में हरा दिया। तो यहाँ पर आज हमने जो है एक पावर के बारे में पढ़ा जो कि पोर्टुगीज थे, एक यूरोपियन पावर। नेक्स्ट में हम जो है कुछ और भी देखेंगे, ठीक है, बट इनकी कुछ अगर कंट्रीब्यूशन देखना चाहे तो ये भी देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत से ऐसे काम भी किए, बहुत सी चीजें जैसे कि आलू जो है, पोटैटो जो है, पोर्टुगीज जो है माना जाता है कि यही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए इंडिया में। तो हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो जो है, द पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस द पोटैटो इन इंडिया। दूसरी बात है रेड चिली जो है, लाल मिर्च जो है, ये भी माना जाता है पूरे एशिया में जो है वो पोर्टुगीज नेविगेटर ही लेके आए, यहाँ से काली मिर्च लेके वहां से लाल मिर्च लेके आए। तंबाकू जो है इसे भी माना जाता है कि ये भी इंट्रोड्यूस जो है वो भी पोर्टुगीज ने ही इंडिया में किया है। उसके अलावा शिप बिल्डिंग जो इंडिया ने सीखा है वो भी पोर्टुगीज से ही सीखा है, क्योंकि ये नेवल एक्सपर्ट माने जाते थे। फिर जो है चर्च के डिजाइनिंग, जो कैथोलिक डिजाइन ऑफ द चर्च है आप जानते हैं, गोवा में आज भी जो है पोर्टुगीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है वो यहाँ पर चर्च का डिजाइन भी जो पोर्टुगीज ही पहली बार लेके आए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका काम था वो प्रिंटिंग प्रेस था। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है, आर्ट ऑफ द प्रिंटिंग जो है, फर्स्ट एंटर्ड इन इंडिया थ्रू द गोवा, और माना जाता है ये भी पोर्टुगीज मिशनरीज जो है वो लेके आए। तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो इंडिया में जो एस्टेब्लिश की गई, कब एस्टेब्लिश की गई? 1576 में एस्टेब्लिश की गई, ठीक है, बाय द जीसेट मिशनरीज इन गोवा, ठीक है। तो देखिए नीचे आप फैक्ट भी पढ़ सकते हैं, गोवा हैड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। तो इस प्रिंटिंग प्रेस के जरिए पहली जो एक बुक लिखी गई वो डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिस्टा लिखी गई 1573 में। देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आप कोई भी जो है बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सारे बुक्स का जो है एक जो है क्रक्स मान सकते हैं, एक जिस्ट मान सकते हैं, हर बुक्स की समरी आप मान सकते हैं। तो इससे ज्यादा जो है कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपके लिए सफिशेंट होगा।